श्रावस्ती से बड़ी खबर है। यहाँ शनिवार सुबह नेशनल हाईवे 730 पर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इकोना थाना क्षेत्र के सोन नदी के पास सुबह करीब 4 से 5 बजे हुआ। मरने वालों में 3 वो बेटे हैं जो अपने पिता की मौत के बाद उन्हें मुखाग्नि देने के लिए श्रावस्ती घर जा रहे थे। एक दिन पहले किसी बीमारी के चलते उनके पिता की मौत हुई थी। मौके पर SP प्राची सिंह ने पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कार सवार लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लुधियाना से करमोहना आ रहे थे, तभी सोन नदी के पास कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से लोगों को कार से निकाला और आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा हुआ है। हालांकि हादसे की मेन वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। घायलों की स्थिति गंभीर है, उनसे बातचीत होना संभव नहीं है। अभी यह भी नहीं पता चल पाया है कि गाड़ी को चला कौन रहा था। पेड़ से टकराने के बाद इनोवा कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शव डैशबोर्ड में फंस गए थे। ड्राइवर की लाश तो स्टीयरिंग में ही दब गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।